नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। डिजिटल लेन देन में आई तेजी के साथ ही इससे जुड़े फ्रॉड्स के मामले भी तेजी से बढ़े हैं। ऐसे में सरकार ने एक्शन लेते हुए करीब 70 लाख संदिग्ध फोन नंबर्स को ब्लॉक कर दिया है। साथ ही साइबर क्राइम से जुड़ी सभी एजेंसियों को पहले से बेहतर तरीके से और मिलजुल कर काम करने पर जोर दिया है। ऐसे में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, साइबर फ्रॉड की चुनौतियों को समझेंगे, सेफ एंड सिक्योर डिजिटल पेमेंट पर बात करेंगे। साथ ही अगर किसी के साथ फ्रॉड हो जाता है तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले क्या करना चाहिए, इस पर भी करेंगे एक्सपर्ट से चर्चा। लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए। देश में ऑनलाइन लेन देन बढ़ने के साथ डिजिटल फाइनेंशियल फ्रॉड के मामले भी तेजी से बढ़े हैं। आए दिन डिजिटल जालसाज ठगी के नए नए तरीकों से लोगों को चूना लगा रहे हैं, लेकिन अब सरकार ने डिजिटल ठगों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सबसे पहले तो सरकार ने एक्शन लेते हुए साइबर ठगों के सबसे बड़े हथियार उनके मोबाइल नंबर को निशाना बनाया। सरकार ने ऐसे करीब 70 लाख फोन नंबर्स को ब्लॉक कर दिया है जिनकी गतिविधियां संदिग्ध पाई गई। इन संदिग्ध फोन नंबरों को ब्लॉक करने से करीब 900 करोड़ की जालसाजी पैगाम कसने की बात कही जा रही है। फाइनेंशियल साइबर सिक्योरिटी और बढ़ते डिजिटल पेमेंट फ्रॉड पर नकेल कसने की कड़ी में सरकार की ओर से डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्रेटरी ने एक अहम बैठक की। इसमें साइबर अटैक और डिजिटल फ्रॉड को रोकने संबंधी रणनीति पर चर्चा हुई। बैठक में टेलीकॉम सचिव, रेवेन्यू सेक्रेटरी, इकोनॉमिक अफेयर्स के सेक्रेटरी, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी NPCI के CEO और बैंकों के प्रतिनिधियों ने बैठक में हिस्सा लिया। बैठक का मकसद यही था कि कैसे कारगर तरीके से डिजिटल जालसाजों से निपटा जाए। सरकार ने न केवल बैंकिंग सिस्टम को सेफ और सिक्योर बनाने के साथ KYC मानकों की समीक्षा करने पर जोर दिया, बल्कि वित्तीय फ्रॉड को रोकने के लिए साइबर क्राइम से जुड़ी सभी एजेंसियों को बेहतर तालमेल के साथ मिलजुल कर काम करने की बात कही। इसके अलावा फाइनेंशियल फ्रॉड को रोकने के लिए प्रोएक्टिव रिस्क मॉनिटरिंग यानी PRM की उपयोगिता पर भी बैठक में चर्चा हुई। दरअसल इस महीने की शुरुआत में कोलकाता की यूको बैंक के साथ 820 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी हुई। हालांकि बैंक ने 679 करोड़ रुपए की समय रहते रिकवरी कर ली। इतनी बड़ी जालसाजी के मामले ने बैंकिंग के सिक्योरिटी सिस्टम को हिलाकर रख दिया। सरकार का कहना है कि ऐसे फ्रॉड को रोकने के लिए लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। वहीं डिजिटल लैंडिंग ऐप को लेकर भी सरकार एक्शन मोड में है। सरकार ने साफ किया है कि केवल उन्हीं डिजिटल ऐप्स को प्ले स्टोर में जगह मिले जो सरकार की सभी शर्तें पूरी करते हों। फिलहाल तो ट्रांजैक्शन के लिहाज से UPI के इस्तेमाल में बेहद तेजी आई है। अकेले अक्टूबर में कुल 1414 करोड़ ट्रांजैक्शन हुए और इसके जरिए 17 लाख करोड़ रुपए से अधिक की रकम ट्रांसफर की गई। ऐसे में जिस तेजी से ऑनलाइन लेन देन बढ़ रहा है उसे देखते हुए डिजिटल सिक्योरिटी के भी पुख्ता इंतजाम करने होंगे। वहीं लोगों को भी OTP और फर्जी लिंक से जुड़े खतरों के साथ उन साइबर खतरों को भी समझना होगा जो आपके खाते को साफ कर सकते हैं। यानी जितना अवेयर रहेंगे डिजिटल फ्रॉड से उतना ही सुरक्षित रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं आज की चर्चा के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये इश्यू है जो आप देख रहे होंगे कि एक आम कंज्यूमर से लेकर सरकार तक हर किसी को परेशान कर रहा है। आज के मेहमानों का परिचय आपसे करा दें। राजीव दास इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, CEO हैं iLoan Credit के। राजीव जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं प्रशांत माली, साइबर सिक्योरिटी एंड लॉ एक्सपर्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है प्रशांत जी आपका भी हमारे शो पर। राजीव जी, चर्चा की शुरुआत आपसे ही। कुछ कुछ कदम तो उठाए हैं सरकार ने, बहुत सारे नंबर्स को ब्लॉक कर दिया, IMEI के भी ट्रेस किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं के फ्रॉडस्टर्स कहें या इन पूरे इकोसिस्टम में जितना भी वल्नरेबिलिटी है उसको फाइंड आउट करने वाले हमेशा हम डाल रहते हैं, तो वो पात रहते हैं। करा क्या जाए? देखिए, अभी आज के डेट में RBI ने तो बहुत सारी जागरूकता अभियान चालू किया है। बेसिकली जो अगर हम तीन इंस्टीट्यूशंस की बात करें, जैसा जो एक फेस है, एक FCC और एक PCI है, इसके थ्रू बहुत सारे अवेयरनेस कैंपेन्स चालू किया जा रहा है ताकि कस्टमर जो है एंड यूज वो जागरूक हो सके। अगर कस्टमर जागरूक रहेगा तो वो इससे बच सकता है। इसके दो चीजें हैं। एक प्रमुख कारण है कि जैसे आपने अभी समझाया कि देयर आर फ्रॉडस्टर्स रोज नए नए चीजें ढूंढते रहते हैं। अभी का जो नई चीज में हमें पता चला है जो आज के डेट में आ रहा है कि जो आपकी प्रॉपर्टी पेपर्स में आपका जो फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक होता है, फ्रॉडस्टर्स ने वहां से डॉक्यूमेंटेशन उठाई है और जो आधार लिंक जो जिसमें हम कैश विड्रॉ कर सकते हैं वैसे यूज कर करके उन्होंने कैश विड्रॉ किया है। सो आज के डेट में सरकार ने इस फैसले के ऊपर बहुत कार्रवाई की है
कि भाई बायोमेट्रिक जो आपके जो फिंगरप्रिंट्स है प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स में वो सेफ होने चाहिए। तो एवरी टाइम फ्रॉडस्टर्स कभी ना कभी नई चीजों में आगे रहते हैं हमारे से। तो एक इम्पॉर्टेंट है कि अवेयरनेस कि मैं कहाँ पे क्या सेफ रख सकता हूं, क्योंकि जैसे आपने बताया कि यूपीआई ट्रांजेक्शन बढ़ चुके हैं, तो उस चक्कर में लोगों ने हमारे जो आम कस्टमर्स है उनको बहुत तकलीफ हो रही है, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे कि फ्रॉडस्टर्स कौन से तरीके से कस्टमर जो फ्रॉड कर सकते हैं। उठली और ये पूरा का पूरा ये एक पूरा मकड़जाल बनाते हैं जिसमें फंसाते हैं आम इंसान को, और इस पर थोड़ा सा ये सरकार भी अपनी तरफ से कोशिश तो कर रही है, लेकिन कंज्यूमर को जब पता ही नहीं होगा कि उसके लिए जो पोटेंशियल थ्रेट्स हैं डिजिटल पेमेंट्स के दौरान वो किस तरह के, तो फिर बात बन नहीं पाएगी। इसलिए अवेयरनेस बहुत जरूरी, इंपॉर्टेंट बात आपने बोली डॉक्टर माली। गवर्नमेंट के साथ आप लोगों की भी कई बार बातचीत होती है, जो इंटेंट है सरकार का वो लग रहा है कि वो इस इश्यू को जल्द से जल्द एड्रेस करना चाहते हैं, लेकिन चुनौतियां आपको क्या नजर आती हैं? सबसे इम्पोर्टेंट चुनौती जैसे आपने बताई कि अवेयरनेस की है, ये स्कीम्स तो ले आते हैं लेकिन वर्नैक्युलर मीडियम में ये स्कीम्स डेसिपेट नहीं होती, मतलब एंड यूजर तक स्कीम जाती नहीं है, और ये स्कीम्स की इम्प्लीमेंटेशन बहुत बुरी तरीके से करते हैं। मतलब स्कीम पेपर पे होती है लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन में जो ये बाबू लोग होते हैं या जो सरकारी अफसर होते हैं या फिर ये बैंक वाले जो लोग होते हैं वो इसे अक्सर मानते नहीं है, और इसमें से लूपहोल निकाल के कैसे ये जो कंज्यूमर है उसको उसका जो राइट है वो डिनाय करें, इसके तरफ इनकी मनोकामनाएं थोड़ी ज्यादा होती है। तो ये पूरी तरह से सबका एक मानसिकता बनाने की जरूरत है कि ये जो फ्रॉड के शिकार जो होते हैं उनको आप और तकलीफ ना दें, उन्हें आपको तुरंत जैसे एक ट्रॉमा सेंटर होता है, सरकारी ट्रॉमा सेंटर्स होता है, एक्सीडेंट होते ही ट्रॉमा सेंटर में लेके जाने के बाद में आपको ज्यादा ट्रॉमा नहीं दिया जाता, वैसे ही उसी स्तर पे इस फ्रॉड का जब ठगी का अगर कोई शिकार होता है जिसके काफी सारे पैसे बैंक से निकल जाते हैं बिना कोई बड़े एक्शन से, तो उसे भी ट्रॉमा हीलिंग के तौर पे ही ट्रीटमेंट किया जाए, उसके स्कीम्स जो बनाए जाए वो ट्रॉमा हीलिंग के प्रति ही बनाई जाए, इसके भी एक एक चैलेंज देख के सिटीजन को रेमेडी के देने के हिसाब से बनाए जाए, ना कि हमें से दिखावा के लिए बनाना चाहिए। एब्सोल्युटली। हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं, नवीन सूर्या जी हमारे साथ हैं, चेयरमैन हैं फिनटेक कन्वर्जेंस काउंसिल के। नवीन जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। डिजिटल फ्रॉड में अक्सर कहा जाता है और यूको बैंक के केस में भी हमने देखा ये बार बार कि फ्रॉड को एजेंसीज तक पहुंचाने के लिए एक गोल्डन आवर का नियम तय होता है, अगर आपने उस दौरान अगर फ्रॉड को बता दिया तो शायद आपके पैसे बच जाएं या एजेंसीज को भी काम करने का वक्त मिले, लेकिन कई बार ये देखा जाता है कि ये जो गोल्डन विंडो है 1 घंटे की उसको बढ़ाने की बात हमेशा की जाती है, इस बार शायद सरकार इसे बढ़ाने पर विचार कर रही है, तो डिजिटल फ्रॉड से बचने के लिए लोगों को बचाने के लिए ये गोल्डन विंडो का पीरियड बढ़ाना कितना इंपॉर्टेंट आप मानते हैं, या फिर आपकी तरफ से क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं? देखिए सबसे पहले तो मैं क्लेरिफाई करूंगा, मेरे सारे व्यू अभी पर्सनल बेसिस पे है और आई वुडंट से कि कोई एक पर्टिकुलर बैंक के ऊपर मेरा कमेंट है और उनके लिए है, लेकिन आपकी बात से ये जो गोल्डन आवर है ये दोनों तरह से काम करता है। अगर आप सोचिए कि आपको पैसा मिलने वाला है जो आपको आ गया है और आपको कंफर्म्ड है, लेकिन वो गोल्डन आवर का मतलब ये भी है कि आपको मिलने के बाद में वो पैसा वापस जैसे रिटर्न भी किया जा सकता है, तो ये दोनों तरफ चलता है, तो इट्स ए डबल एज स्वॉर्ड, तो ऐसा इतना इजी डिसीजन नहीं है ये। ऑब्वियसली इट हेल्प्स कि आपके जो कस्टमर के साथ कुछ गलत हुआ है उसको थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा मिल जाए तो वो कुछ कर पाए। तो एक तरफ हम चाह रहे हैं कि अपनी दुनिया में फास्ट पेमेंट, रियल टाइम पेमेंट ज्यादा से ज्यादा हो, हर चीज में हो। इनफैक्ट जो चीज पहले यूपीआई में होती है हम चाह रहे हैं कि एनईएफटी में हो, वो आरटीजीएस में हो, सब में हो। तो उसकी तरफ दूसरी तरफ अगर हम ये आर ऐड करते हैं तो उसका ये एक फॉलोआउट भी है, तो वो आप ध्यान में रखिए। लेकिन ये बात सही है कि गवर्नमेंट और सारी एजेंसियां इसके ऊपर डेफिनेटली सोच रही है कि कैसे किया जाए, और स्पेशली जो फर्स्ट टाइम कस्टमर है, जो फर्स्ट टाइम ट्रांसफर वाले ट्रांजेक्शन है, ज्यादातर गलती वो पहली बार जब कस्टमर को किसी को नए आदमी को पैसा जाता है तो उसमें होती है, कोई एक डिजिट गलत हो गया, कोई एक सिमिलर नाम सेलेक्ट हो गया, कोई ब्रांच गलत हो गई, तो उस तरह की। जबकि आज के दिन में मैं देखता हूँ सारी बैंक में 2 या 3 बार वेरिफिकेशन होता है, सब कुछ होता है। और एक चीज जो सबसे बड़ी है जो सबको हमको मिलकर काम करना होगा कि अल्टीमेटली ये सारे जो फ्रॉड केसेस है, एक होते हैं कि गलती से कुछ हो गया,
वो फिर भी इजी है ठीक करने का, लेकिन जहां पे डिफ्रॉड हुआ है कस्टमर उसका सारा सबसे ज्यादा 80-90% केस में जेनेसिस होता है ग्रीड। कस्टमर को पता नहीं होता है, उसको कोई ना कोई लालच दिया जाता है और वो उस लालच में ट्रांजेक्शन कर लेता है। बाद में वो खुद की गलती ना दिखाने के लिए वो हमेशा बोलता है मेरे साथ फ्रॉड हो गया। तो वो वाला जो पार्ट है हमारी पूरी सोसाइटी में जो एक चेंज है वो कैसे लाया जाए, उसके ऊपर सबको और मीडिया को भी साथ में मिलकर काम करना होगा। और मुझे लग रहा है कि अभी आज के दिन में जिस तरह से डिजिटल अडॉप्शन काफी अर्ली स्टेज पे हो रहा है, 9-10 स्टूडेंट, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, आई थिंक जो डिजिटल शिक्षा है ये सारी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की, अपने को स्कूल करिकुलम में एड करनी होगी और इस तरह के जो वार्निंग्स है वहां से स्टार्ट करनी होगी देने के लिए। अगर हम जैसे पोलियो में कैसे एक प्रोग्राम हुआ था सिस्टमेटिकली 5-10 साल का, तब जाके इरेडिकेट हुआ था, राइट? फ्रॉड कभी भी इरेडिकेट नहीं होंगे लेकिन कम हो जाएंगे अगर हम उसको सिस्टमेटिकली कंटिन्यूअस प्रोसेस रखें, ना कि कोई एक बड़ा फ्रॉड हो गया, हमने कुछ टेम्पररी मेजर्स लिए, कुछ कम्युनिकेशन गए, कुछ नहीं गए। ये सर हर फ्रंट पे काम करना होगा, शिक्षा में करना होगा, कंपनीज लेवल पे करना होगा। मैं दूसरे स्पीकर्स को भी सुन रहा था कि ये बिल्कुल सही है कि हमारे पास नंबर्स हैं, बट उस नंबर पे हम कैसे ट्रीट करें कस्टमर को, उनको कैसे एडुकेट करें, उस पर भी करना पड़ेगा। ये जो सिंगल नंबर है उसकी कम्युनिकेशन और कैसे बढ़ाई जाए कि एक नंबर पे आप कभी भी फोन कर सकते हो, हेल्पलाइन है, कोई भी तरह का आपको प्रॉब्लम हो। तो ये सारी चीजें एक साथ करनी होगी, सबको मिलके करनी होगी। और जो मैं अभी फिर से बोल रहा हूँ कि सबसे ज्यादा जो कस्टमर की ग्रीड वाला है, किसी को भी बोलें अगर कोई आपको फ्री का पैसा या ज्यादा रिटर्न का पैसा कमिट कर रहा है, वो रियल लाइफ में नहीं होता है, वो कभी भी नहीं होता है। अगर कोई आपको बोल रहा है तो प्लीज आप मान के चलें कि ये गलत है, उसको ना करें, उसके बारे में 4 बार सोचें, 4 बार पूछें, फिर करें। अगर आपको नहीं समझ में आता है कोई जानकार आदमी से लें, और उसके लिए भी शायद हम नंबर बनाए जहां पे वो सही, आपने सही सुझाव आपने दिए हैं राजीव जी, बहुत इंपॉर्टेंट आपने सुझाव दिए हैं कि जो शिक्षा में है उनको आपको सम्मिलित करना पड़ेगा अगर आप फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हैं। और इस पे सरकारों का भी काम कम होगा, लेकिन आई डोंट नो इस पर स्थिति दिशा में कितना आगे बढ़ा जा रहा है, आई एम श्योर बढ़ना आगे चाहिए। नवीन जी मैं आ रहा हूं आपके पास, एक चीज जो हम बार बार भूल जाते हैं, जैसे सॉरी राजीव जी के पास मैं आना चाह रहा हूं। राजीव जी, जो नवीन जी कह रहे हैं कि आपकी ग्रीड जुड़ी हुई है, हम ग्रीड को शायद अवेयरनेस से ठीक कर देंगे, बार बार लोगों को ये बता के कि प्लीज लालच में मत आइए, मत आइए, मत आइए, और दूसरा भय के चक्कर भी में मत आइए, आपको डराएंगे भी, वो तो लालच भी दिखाएंगे और भय भी दिखाएंगे आपको, इन दोनों से हम अवेयरनेस से बच सकते हैं। लेकिन एक आदमी बैठा हुआ है, कुछ दिनों पहले डॉक्टर माली अच्छी तरह से जानते होंगे इस केस को, एक वकील दिल्ली की, उनको 2 मिस कॉल्स आती है और उनका 4 लाख रुपए चला जाता है। सिम स्वैपिंग के केसेस आते हैं हमारे पास, फिशिंग के, मतलब टेक्निकल सपोर्ट, मोबाइल सिम स्वैपिंग, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं हमारे पास जिसमें ग्राहक की गलती ही नहीं है। और ऐसे में टेलीकॉम जो कंपनीज हैं उनका इन्वॉल्वमेंट ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं प्रथम दृष्टया नजर आता है, लेकिन आज तक इस तरह के फ्रॉड केसेस में टेलीकॉम कंपनीज को पार्टी नहीं बनाया गया। क्या उनको उनकी जिम्मेदारी भी सुनिश्चित होनी चाहिए? अब सरकार ने 7 लाख अगर सिम ब्लॉक किए हैं या इससे भी ज्यादा किए हैं, तो ये टेलीकॉम कंपनीज को नहीं पता था क्या कि उनके एक आधार पर 3-3, 4-4 नंबर हैं, फ्रॉड तरीके से इस्तेमाल हो रहे हैं, तो क्या इस दिशा में भी सोचना चाहिए राजीव जी? या डेफिनेटली, आप जो बोल रहे हैं कि अवेयरनेस तो ठीक है, जागरूकता एक कस्टमर को आपने कर दिया, पर जो फ्रॉडस्टर होता है, क्योंकि आज के डेट में आप देख रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के बारे में बहुत सारी चर्चाएं हो रही है, और हर चीज में इंक्लूडिंग मेरा वॉइस, द वे हम बात करते हैं, सब कुछ उन लोग कॉपी करके सामने वाले को। बट आज के डेट में द इशू व्हाट हम सब फेस कर रहे हैं इज दैट कि RBI सतर्कता कर रही है, बट पुलिस डिपार्टमेंट और अदर डिपार्टमेंट जो है उनको एक तालमेल रहना चाहिए। इट इज ओनली नॉट एक जिम्मेदारी आप बोल सकते हैं कि भाई बैंकों की है, वो एक्चुअली ऐसा नहीं होती है। बैंकों का काम होता है कि भाई आपका ट्रांजैक्शन उनके थ्रू रूट हो रहा है, बट उनको अगर समय रहते अगर आपने सूचित कर दिया तो वो आपके ट्रांजैक्शन फ्रॉडस्टर्स का ट्रांजैक्शन रोक सकते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। बट जो आपके आपके जो पुलिस है, जो लोकल अथॉरिटीज है, उनके साथ अगर आपके उनमें भी एक जागरूकता लानी पड़ेगी कि भाई ऐसे कुछ कस्टमर्स है, या फिर अगर आपके पास इमीडिएटली आपको पता चल गया है इस ट्रांजैक्शंस के बारे में, आपको लोकेशन ट्रेस हो गया है, इन दैट केस पुलिस या जो भी है, अगर ये आपको एक रोल मॉडल बना के दिखाना पड़ेगा कि एक जो फ्रॉडस्टर्स के अंदर भी
क्योंकि अगर जो आपने सरकारी डेटा जैसे जो मेरे फेलो पैनलिस्ट बता रहे थे, आज के डेट में जो फ्रॉड हो रही है वो जो अमाउंट ऑफ फ्रॉड है वो 1 लाख से कम हो रही है, क्योंकि 1 लाख के बाद बैंक्स भी बहुत सारे चेक्स करने लगे हैं। अगर बहुत बड़ा अमाउंट ट्रांसैक्शन होता है तो बैंक वाले आपको फोन भी करते हैं कि भाई इतना बड़ा अमाउंट आपके यहाँ से ट्रांसैक्शन हुआ है, आप आरटीजीएस कर रहे हैं या एनईएफटी कर रहे हैं, तो वो एक फोन कॉल का भी एक टेंशन रहता है। तो आप जो फ्रॉडस्टर जो हो गए वो भी सतर्क हो गए। तो जो ट्रांसैक्शनल डेटा है इन द लास्ट 1 ईयर, लास्ट 3 ईयर्स के बारे में, तो उन्होंने कहा कि ट्रांसैक्शन फ्रॉडस्टर का जो अमाउंट ऑफ ट्रांसैक्शंस दैट इज बिलो 1 लाख, तो ये भी हमें इम्पोर्टेंस है। और इम्पोर्टेंस है कि हर एजेंसी एक साथ काम करे। आज के डेट में सिर्फ सतर्कता से होती नहीं है, क्योंकि कस्टमर सतर्क तो हो जाते हैं, वो आपको फोन भी कर देते हैं, बट बैंक के पास जाना, बैंक के अथॉरिटीज के पास जाना, और बहुत सारे यू नो प्रॉब्लम्स विद लॉट ऑफ पुलिस अथॉरिटीज आल्सो, कि भाई मैं आपका 2 लाख का केस नहीं लूंगा, ये पुलिस स्टेशन में आप चले जाइए, वो पुलिस स्टेशन में चले जाइए। सही बात है, इससे क्या होगा, पहले तो आपके साथ जो फ्रॉड हुआ है, अब वो पहले वो फ्रॉड है या नहीं है, उसमें कितना इन्वॉल्व, क्योंकि बैंक तो देखिए साफ साफ कहते हैं, और वो बैंक की बात समझ में आती भी है। बैंक अगर ये कह रहा है कि ओटीपी तो आपने ही दिया ना, आखिरकार अपने क्रेडिट कार्ड का सीवीवी भी आपने ही दिया ना, तो जैसे भी दिया, वो किस भी रूप में आपने दिया आपने, इसलिए हमारी जिम्मेदारी कम बनती है। ये लॉजिक समझ में आता है बैंक की तरफ से, लेकिन कई बार लोगों को पता ही नहीं होता है कि उनके साथ फ्रॉड हो गया है, और ना वो रजिस्टर कर पाते इस चीज को, ना उसकी शिकायत हो पाती है। मैं 70 लाख कह रहा था, मैं यहाँ पे डेटा करेक्ट कर देता हूँ, और डेटा जो आप करेक्टेड डेटा सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। ट्राई ने 70 लाख, 7 लाख नहीं, 70 लाख मोबाइल नंबर्स को ब्लॉक किया है। अब मेरा सवाल सिंपल ये है, ब्रेक के बाद जब मैं आऊंगा, अपने तीनों पैनलिस्ट है, ये 70 लाख ट्राई ने अगर बंद किए, ये 70 लाख टेलीकॉम कंपनीज की नजर में नहीं थे क्या, कि इन नंबर से फ्रॉड हो रहा है? और इस तरह के न जाने कितने और नंबर्स भी होंगे। लेकिन इसमें हमेशा एक सवाल यही आता है कि टेलीकॉम कंपनीज अगर सरकार का साथ दें और अच्छे तरीके से, तो शायद सरकार का भी काम ठीक हो। लेकिन आई डोंट नो उसमें क्या प्रॉब्लम्स है, हो सकता है कुछ जेन्युइन चैलेंजेस हो। कोशिश करेंगे अपने पैनलिस्ट से पूछने की। ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। डॉक्टर माली, ये कितना पॉसिबल है कि टेलीकॉम कंपनीज को भी इसमें सम्मिलित किया जाए? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप उनको बिल्कुल उनके ऊपर एक्शन लीजिए आइए, लेकिन कन्विंस कीजिए उनको कि इस बड़ी शानदार ये लड़ाई है फ्रॉड से, सरकार लड़ रही है, आम उपभोक्ता भी लड़ रहा है, तो फिर टेलीकॉम कंपनियां क्यों पीछे रहे? 2-3 चीजें बताता हूं कि जो मैं ये जो केसेस लड़ता हूं मैं, ये क्रेडिट कार्ड फ्रॉड और जो सिम स्वैप फ्रॉड के केसेस है, इसमें हम इनको पार्टी बनाते हैं, क्योंकि इनके अक्सर सब सिम स्वैप फ्रॉड में अक्सर रॉन्ग केवाईसी ली जाती है किसी और की, फ्रॉडस्टर की, और कार्ड इश्यू होके फिर बैंक पर फ्रॉड हो जाता है जो बैंक के कस्टमर होते हैं। दूसरी बात, आप एकदम वाजिब कह रहे हो कि सारा जड़ जो है वो टेलीकॉम का एक कनेक्शन है, बिकॉज ये कोई साइबर फ्रॉड नहीं, ये सोशल इंजीनियरिंग फ्रॉड है जिसे ऑनलाइन तरीके से किया जा रहा है। तो सोशल इंजीनियरिंग फ्रॉड करने के लिए टेलीकॉम का यूसेज किया जा रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है कि एक छोटे से गांव में, मेवात रीजन के एक छोटे से गांव में, अगर आप 1 लाख कार्ड इशू हो रहे हैं। दूसरा पॉइंट, क्यों ऐसा हो रहा है कि छोटा सा गांव है खेत खलियान वाला, वहां से आउटगोइंग नंबर्स जो है वो दिन में लाखों हो रहे हैं, इतना कुछ बात किया जा रहा है। तो ये सारी चीज फ्रॉड मैनेजमेंट सिस्टम या फ्रॉड मॉनिटरिंग सिस्टम के तहत करी जा सकती है, लेकिन इन जो टेलीकॉम कंपनीज होती है उनको अपना आरपू संभालना होता है, वो एवरेज रेवेन्यू पर यूजर जिसे कहते हैं, और इनको अपने यूजर बढ़ाने होते हैं, क्योंकि इनकी जो होल्ड लगी रहती है वो सिर्फ यूजर पे, जैसे हमारा मीडिया टीआरपी पे चलता है, इनके इनका आरपू और यूजर पे चलता है। तो जितने ज्यादा यूजर उतना ज्यादा इनका समाज, मतलब इनके जो बिजनेस है उसमें जो इनका जोर होता है। तो जब तक सरकार ये नियम ना लाए कि इनका जो फ्रॉड में जो टेलीकॉम कंपनीज है उन्हें भी उतना ही दंड बैठेगा, उन्हें भी उतना ही जो फ्रॉड का पैसा है वो शेयर करना पड़ेगा। और मेरा तो ये कहना है कि देखो, अब जो एक्सीडेंट हो रहा है, एक्सीडेंट होता है तो इंश्योरेंस होता है, तो हमने जब गाड़ियां तो सब चलाते हैं, तो गलती से ही एक्सीडेंट होता है। तो अभी जो फ्रॉड के बारे में बात चल रही है, तो कहीं बार ग्रीड के बदौलत होता है और कहीं बार गलती से भी होता है। तो क्या गलती से होने के बाद में हमें हमारा इंश्योरेंस के बाद हमें उसकी बकाया नहीं मिलनी चाहिए?
माना कि लोग ग्रीड कर रहे हैं, लेकिन ग्रीड कर इसलिए रहे क्योंकि हमने उनको एक आउटलेट भी तो दिया है कि ग्रीड करे। तो इसके बाद क्या हम सिर्फ सिटीजन्स को ब्लेम करें? मुझे नहीं लगता कि हमें सिर्फ सिटीजन्स को, जो पहले से ही आहत पा चुके हैं, उन्हें ब्लेम करना चाहिए। तो इसके इर्द गिर्द एक ह्यूमन डायमेंशन से भी सरकार को सोचना जरूरी है कि आप फ्रॉड के जो शिकार होते हैं उनको आप ऐसे खुला नहीं छोड़ सकते, उनके प्रति भी पब्लिक इंटरेस्ट के तहत कुछ ना कुछ करना, सरकार को सोचना बहुत जरूरी हो गया। एब्सोल्युटली, क्योंकि कनेक्शन जो हो रहा है वो फ्रॉडस्टर्स और जो फ्रॉडस्टर्स और जो उपभोक्ता है, एक आम उपभोक्ता है, उनके बीच में जो सबसे बड़ी कड़ी है कनेक्शन की, वो तो नंबर्स ही है। तो वो जो नंबर प्रोवाइड कर रहा है, क्या उसकी कोई सुनिश्चित होनी चाहिए या नहीं, एक सिंपल सा सवाल। नवीन जी, अब एक सवाल ये भी रह जाता है कि ये मेरा नंबर एक जगह है और वो 36 जगह अपने आप चला जा रहा है, हर किसी के पास मेरा नंबर है, मैं बाकी डिटेल्स की तो बात ही नहीं कर रहा, उस पर तो हर कोई डिनायल मोड में रहता है, नहीं नहीं साहब सब ठीक है आपका। हालांकि फिर खबर भी आती है बिहार जैसे राज्यों से कि एक आदमी के पास 40,000 आधार है। आज खुद कल खुद जो है DFS सचिव विवेक जोशी का बयान आया है कि उन्होंने राज्यों को बोला है कि आप आधार इनेबल्ड प्लेटफॉर्म सर्विस से होने वाले फ्रॉड को रोकिए, राज्य जो है वो आधार इनेबल्ड पेमेंट सर्विस के डेटा को सुरक्षित रखें। तो जब केंद्रीय एजेंसीज राज्यों पर ये शक कर रही हैं कि डेटा सुरक्षित नहीं है आपका, तो हम कहां जाएं? तो ये हमारा जो डेटा फैला हुआ है, हर किसी के हाथ में मेरा नंबर है, गलत आदमी के हाथ में मेरा नंबर, सही आदमी के हाथ में मेरा नंबर, डार्क वेब पे मेरा नंबर, इसको कैसे रोके सर? देखिए, एक तो जो आपका पिछला भी क्वेश्चन था, एक तो कोई भी एक स्टेक होल्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और हम किसी को भी ब्लेम नहीं कर रहे हैं। हम अगर ये जंग जीतना चाहते हैं तो सबको मिलना पड़ेगा एक साथ। करेक्ट, कस्टमर को अपनी अवेयरनेस एडुकेशन करनी पड़ेगी, हम उसको ब्लेम नहीं कर रहे हैं। कंपनीज को इम्प्रूव करना पड़ेगा, टेलीकॉम कंपनीज को करना पड़ेगा, एप स्टोर्स को करना पड़ेगा, ISPs को करना पड़ेगा। तो बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं इसमें जो हर एक एक रोल प्ले करते हैं। अभी चैलेंज जो आपने इन्फॉर्मेशन बोला कि जो चारों तरफ फैली हुई है, जो मेरा अकाउंट नंबर, जो मेरा मोबाइल नंबर है, मेरा आधार नंबर है, मेरा और भी कुछ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन हो सकता है, मेरी डेट ऑफ बर्थ, वो काफी जगह पे है। अब प्रॉब्लम यह है कि ये सब जगह इसके लिए है क्योंकि हमने एक वेरिफिकेशन जो स्टैंडर्ड्स हैं एक पर्टिकुलर कस्टमर के लिए, अलग अलग सर्विसेज के लिए, उसके लिए अभी भी अलग अलग चैनल्स हैं। हमने आधार बनाया, जैसे हम अगर फाइनेंशियल सर्विसेज ही देखें, वैसे हमने आधार कहने को बनाया, लेकिन अभी भी हम वीडियो KYC अलग से करते हैं, अभी भी हम सरसाई का KYC अलग से करते हैं, अभी भी उसके बाद में मैनुअल KYC के लिए आदमी फॉर्म लेके अभी भी जाता है। तो जब तक ये सारी चीजें, टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस हो चुकी है, सारी सब जगह कंसोलिडेट होके एक ही जगह ये इन्फॉर्मेशन रहे, जैसे हमने अकाउंट एग्रीगेटर का मॉडल बनाया अभी फाइनेंशियल वर्ल्ड में, जहां पे आपके कस्टमर की बैंक अकाउंट की इन्फॉर्मेशन सिर्फ जिसको जरूरत है उसको जाएगी, और बीच में जो भी चैनल प्रोवाइडर है वो सिर्फ पाइप है, उनके पास वो देख भी नहीं सकते हैं। तो मॉडल्स अवेलेबल है, सॉल्यूशंस अवेलेबल है, लेकिन ये हम पर्सनल डेटा के लिए वो इन्फॉर्मेशन कैसे यूज करें? अब नया ऑब्वियसली अपना डेटा प्रोटेक्शन बिल आया है, उसका इम्प्लीमेंटेशन होना है, बट इन सब ने अगर हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो हम सब जगह देने की जगह एक डिजिटली कहीं पे सिक्योर जगह पड़ी रहे, और वो वहीं से जिस पर्सन को जरूरत है उसी को जाए, उसने किस पर्पज के लिए यूज किया वो बहुत क्लियर हो उसमें, उससे कहीं और गई है तो वो ट्रैक हो और उसको पिनलाइज हो। तो एक पूरा मॉडलिटी सोल्यूशन टेक्नोलॉजिकली पॉसिबल है, लेकिन ये इम्प्लीमेंट तभी होगा जब सारे स्टेक होल्डर्स आए, और आई थिंक जहां तक मुझे पता है गवर्नमेंट और स्टेक होल्डर्स रेगुलेटर्स उस पर काम कर रहे हैं। काम तो प्रॉब्लम ये है कि उसमें समय जो लगेगा उसके बीच में क्या करें, तब तक हम क्या करें? उसमें अभी भी 1-2 साल का समय लग सकता है। देखिए, काम तो हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं। जैसा मैंने कहा कि ट्राई नहीं, 70 लाख मोबाइल नंबर्स को ब्लॉक किया 2021 से अब तक जो डेटा आया है DFS का, 3.5 लाख लोगों को फ्रॉड से शिकार होने से बचाया गया है, सरकार की एफर्ट्स के कारण ये हुआ है। अगर आप इनको इन टर्म्स ऑफ नंबर देखेंगे, पैसे देखेंगे, तो 900 करोड़ के फ्रॉड होने से बचाया गया है इसी साल 2023 में ही, अब तक 600 करोड़ का फ्रॉड होने से बचाया। तो काम तो कर रही है सरकार, ऐसा नहीं है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि आप जो स्टेक होल्डर्स हैं सबके साथ जिम्मेदारी फिक्स कीजिए ना। मेकिंग पीपल वर्क इज कॉल्ड द बेस्ट मैनेजमेंट। यू मेक पीपल वर्क, टेलीकॉम कंपनीज को भी काम दीजिए, सबको काम दीजिए, आप सारा अपने सर के ऊपर मत लीजिए। शायद सरकार की ये थोड़ा सा यहां पर एक वो है। फटाफट से राजीव जी, चलते चलते आपका भी ये पूरा, क्योंकि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के काल में हम जो जी रहे हैं और उतने ही डिजिटल खतरे भी हैं, तो एक बेस्ट अप्रोच क्या रही?
देखिए आज के डेट में जैसे हमारे फेलो पैनलिस्ट ने बताया था कि देखिए आज के डेट में रूरल पॉपुलेशन में जहां पे सोशल मीडिया एंड पीपल हैव बिकम मोर एक्टिव, मतलब वहां पे उन्होंने अपने पर्सनल डेटा शेयर करना शुरू कर दिया है लोगों ने, चाहे वो उनको समझ नहीं पा रहा है, बट ये जो डेटा उनकी जो शेयरिंग हो रही है वो बहुत संभाल के करना चाहिए हर टाइम। जो आप नॉर्मल जो KYC जिसके वजह से ये बहुत सारे टेलीकॉम कंपनीज के जो आपके होते, तो आप कहीं पे भी जो आप KYC डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट करते हैं तो उसके ऊपर पर्पस लिख दीजिए या फिर उसको कैंसिल करवा दीजिए। एक तरीका होता है KYC सबमिट करने का, क्योंकि क्या होता है आपके जो डॉक्यूमेंट्स है इंक्लूडिंग अगर आप फोटोकॉपियर की दुकान में जा रहे हैं तो आप इंश्योर कीजिए कि आपके सामने वो फोटोकॉपी करके दे रहे हैं। हो सकता है कि उन्होंने एक्स्ट्रा एक कॉपी मेंटेन कर दिया हो। तो जो छोटी छोटी आप अपनी तरफ से जो सतर्कता आप रखेंगे या फिर आप अपना जो क्रेडिट कार्ड है उसको संभाल के रखिएगा, जो फाइनेंशियल डिटेल्स है आप किसी से व्हाट्सएप में वगैरह आप जो शेयर कर देते हैं, तो ये सब चीजों में हमें संभाल के करना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफकोर्स अपनी सतर्कता दिखाएगी, टेलीकॉम कंपनीज डेफिनेटली लायबल होंगे, साथ समाहित करके इस पूरे इकोसिस्टम का पार्ट बनाना पड़ेगा, जैसे कि नवीन जी ने भी सजेस्ट किया, राजीव जी ने भी बहुत इंपॉर्टेंट सजेशंस दिए, डॉक्टर माली ने भी बहुत इंपॉर्टेंट इंसाइट्स दिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का, नवीन जी, राजीव जी, डॉक्टर माली, थैंक यू सो मच। आपकी खबर आपका फायदा में इतना ही, डिजिटल फ्रॉड से हर हाल में सतर्क रहें और जैसा हमने कहा अभी भी OTP और अपने सेंसिटिव डेटा किसी के साथ भी शेयर ना करें। धन्यवाद।